तो जी मैं अपने बनीज़ के लिए ये लेके आई हूँ गुड़हल की लीव्स, और अब मैं इनको करूँगी वॉश। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप ये देखिए कि मेरे बनी का हो रहा है हेड मसाज आराध्या के द्वारा। आराध्या उसको हेड मसाज दे रही है और वो कितना रिलैक्स फील कर रहा है, आराम से हिल भी नहीं रहा और लेटा हुआ है। एंड मैं आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग सब बात बताती हूँ रैबिट्स के बारे में, कि ये लोग सो जाते हैं आईज़ अपनी ओपन रख के। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग सो रहे हैं, बट इनकी आईज़ खुली रहेंगी और ये सोते रहेंगे। तो ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है रैबिट्स के बारे में। ये दोनों भी रेडी हो गए नहा के। और आज मैं आपको बताऊँ, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई एकदम से, आधे पौन घंटे के लिए मैं सो गई थी और आराध्या और डुगू खुद से नहा के आ गए दोनों बच्चे। खुद से नहीं, मैंने डुगू को नहलाया अच्छे से और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे को नहा लिया है ना। वेरी गुड। और मैंने डुगू को कपड़े भी पहनाए। वेरी गुड वेरी गुड। और मैं सो रही थी, सडन मुझे ऐसा लगा कि डुगू मेरे पैर दबा रहा है और डुगू मुझे और आराध्या मुझे बैक मसाज दे रही है। तो मुझे इन बच्चों ने बहुत रिलैक्स कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं सो के उठी और अब ये दोनों मेरी गोद में आके बैठ गए, ये दोनों बंदर मफिन एंड बनी। आपको पता है बनी क्या करते हैं? मैं जब इसका हेड मसाज करती हूँ आराम से, ऐसा लगता है कि मैं इसकी नौकर हूँ और ये बॉस है मेरे। हेड मसाज करती हूँ मैं इसका। आराध्या, तो ये जब हेड मसाज ले रहा था उसके बाद सो गया था ना ये? हाँ सो गया, धप्पो मार के। मैं भी हेड मसाज कर रहा हूँ। आपको भी हेड मसाज देना है? किसे दे रहे हो आप हेड मसाज? मफिन। अच्छा, मफिन को दे रहे हो आराम से, स्लोली स्लोली। ऐसे नहीं, अपनी उंगलियों से। असली जो जो रैबिट्स होते हैं ना, उनको अपनी बैक टच करवाना पसंद नहीं है। उनको अच्छा लगता है कि हमारे ईयर पे और चीक्स पे और यहाँ फोरहेड के पास प्यार करो बस। जैसे डॉग्स को पसंद होता था उनकी बैक भी सला दो, बट इन लोगों को पसंद होता है केवल इस जगह पर। ऐसे ऐसे क्या मम्मी छू रहा है, छू रहा है, कुछ छू रहा था और मैं उनको जगा दी, उनको छूने का जगह बना था। बहुत क्यूट छू जा। मुझे कम पसंद है कि देखो कि मम्मी पसंद है बनी। वो क्यूट है, बहुत अच्छे, बहुत अमेजिंग पेट हैं दोनों ये। पता भी नहीं चलता मुझे मेरे रूम में कहाँ रहते हैं। बहुत बढ़िया। देखो देखो गाइस कैसे सो रहा है, मफिन तो देख लो पहले। गिट्ठू सा हुआ सो रहा है। तो जी मैंने अपना बैग लगा लिया है एंड मैं निकल रही हूँ टुमारो लखनऊ। और बहुत टाइम लगा मुझे लगाने में, मैं बहुत ज़्यादा अब टायर्ड फील कर रही हूँ काफ़ी देर, क्योंकि उसी में मैंने अपनी कबर्ड भी संभाल दी। मेरे साथ यही होता है जब मैं कुछ करने चलती हूँ ना, तो फिर मेरा फिर पूरा ही होता है, फिर मैं पूरी अपनी कबर्ड भी संभाल डालती हूँ। तब तक आराध्या पढ़ती रही अपना स्टडी पूरा का पूरा। और मेरा एक प्लानिंग है, बोलो क्या वो है? जब मैम पढ़ाती है ना, तो मैं क्या कर देती हूँ, उससे भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती हूँ। तो ये कह रही है कि मैंने आगे तक का कर लिया, मैम पढ़ाएंगी आगे से, मैं उनको सुनूंगी वो क्या कह रही हैं। तो डुगू तो सो गया, मैं अपना काम कर रही थी। मैं जहाँ बिजी हुई, एज यू ऑल नो कि जब भी मैं बिजी रहती हूँ और डुगू सो जाता है, तो वो बेचारा सो चुका है। अब मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेके आ गई हूँ, ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और आराध्या जो है अभी टीवी देख रही है, क्योंकि काफ़ी देर पढ़ चुकी है वो, स्टडीज उसने कर ली हैं, डेढ़ दो घंटा लगातार पढ़ी है वो। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर से, और अब तो बस ये है कि हाँ कल मुझे लखनऊ निकलना है, तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ लखनऊ का भी अपना घर और नेक्स्ट व्लॉग में। और कल जर्नी रहेगी पूरा दिन, तो उसका भी मैं जितना शूट करती रहूँगी, बातचीत आप लोगों से बीच बीच में करूँगी, उसका भी मैं बनाऊँगी। तो जो आज मैं शूट कर रही हूँ, तो वो कल वाले आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं अब लगा रही हूँ अपने बच्चों की खाने की प्लेट्स, क्योंकि मैंने तो डिनर कर लिया था और बच्चे रह गए थे, इन लोगों को भूख नहीं थी। तो आराध्या और डुगू की अब मैं प्लेट लगा रही हूँ, और आलू की रसे की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हमारे यहाँ मोस्टली बनती ही बनती है बच्चों के लिए। एंड अब मैं उन लोग की प्लेट लगा के उन लोग को दे के आऊँगी अंदर बेडरूम में। वो लोग टीवी देख रहे हैं अपने पापा के साथ में,
और ये रही आलू की सब्जी। बच्चों ने तो खाना खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमको जल्दी उठना है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ये वाला व्लॉग मैं कल अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग आपको मिलेगा मेरा जर्नी वाला, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ लाइवली प्रिया ब्लॉग्स। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।